पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ईवीएम मशीनों के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम से खुश नहीं है, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कई मांगे की हैं, जिसमें ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम की मांग मौजूद है। साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ईवीएम मशीनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी राघव चड्ढा की ओर से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है, जब राघव चड्ढा ने अपने लेटर में कहा है कि कई उम्मीदवारों ने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका व्यक्त की है। वहीं आम आदमी पार्टी ईवीएम मशीनों को रखे जाने की जगह पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर चिंतित है।